आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की जीत के बाद भाजपा 2024 चुनाव का संकेत मान रही है। उत्साहित नेता मिशन 2024 में 80 सीटों के सियासी समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। वहीं बुधवार को पार्टी कार्यालय में बैठक में संगठन पदाधिकारी जुटे। इसमें 2019 में हारी हुई 16 सीटों के प्रभारियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं भाजपा संगठन के महामंत्री सुनील बंसल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इनमें 2 सीटों यानी रामपुर और आजमगढ़ को भी भाजपा जीत चुकी है। अब फोकस पॉइंट 14 लोकसभा सीट की है। तो वहीं सीएम योगी ने उपचुनाव से पहले लोकसभा की 75 प्लस सीट का लक्ष्य दिया था, लेकिन अब पूरी की पूरी 80 सीटों को लेकर दावा किया जा रहा है। इनमें से रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, सावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर की लोकसभा सीट शामिल है। उपचुनाव में लोगों ने भाजपा को पहली पसंद माना, इसलिए रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटें इस लिस्ट से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।